हाँ जी, मेरा नाम बिक्रमजीत सिंह है, बेटा मेरा दशमजीत है, 7 ईयर एज है उसकी, और हम अमृतसर से आए हैं। बेटे मेरे को DMD प्रॉब्लम है कि मंदिर तो जे मानव मंदिर नाम रखा है, तो जे एक हिसाब से मंदिर है, अभी वर्ल्ड में शायद अजूबों में गोल्डन टेम्पल का नाम है, तो इसको भी हम स्वर्ण मंदिर के नाम से कहेंगे। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि इसको गोल्डन मानव मंदिर का नाम दिया जाए, ताकि दुनिया के सब जहाँ से दुनिया में ये फेमस हो जाए कि हाँ भाई जहाँ पर इंडिया में कुछ हो रहा है बच्चों के लिए, खासकर डिसेबिलिटी पर्सन के लिए। पूरा अगरतला से हो, बहुत अच्छा लगा कि मुझे हिम्मत मिला और मुझे महसूस हो रहा है मेरा बच्चा मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। जैसे किसी मंदिर में जाकर सेवा करते हैं ना, सब इस भाव से सब लगे हुए हैं, ये सबसे बड़ी जो है। अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे मैसेज वहाँ पर है ना, तो कोई ना कोई सेवा कर रहा होगा उसकी, ये नहीं है तो वही आएगा तो वही करेगा, ऐसी भावना नहीं है। कोई भी दिक्कत है तो दूसरा बंदा हेल्प के लिए आ रहा है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा पॉजिटिव थॉट। यहाँ पे एक स्वर्ग है सर, मानव मंदिर स्वर्ग है, जैसे हमने स्वर्ग को कभी देखा नहीं, यहाँ पे आने से ये हो जाता है कि हम स्वर्ग में आ गए सर। मानव मंदिर इज गोल्डन टेम्पल, मानव मंदिर से हम एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, यहाँ का जो इन्होंने अभ्यास सिखाया हमें बच्चे के लिए, बच्चे इससे बढ़ के कुछ नहीं हमारे लिए। देखो, मैं नरेंद्र अरोड़ा, बसी किरतपुर, जिला बिजनौर, UP। अपनी बेटी ऋचा अरोड़ा को लेकर मानव मंदिर में आया हूँ। यहाँ आकर ज़रूर कैंप की सेवा लेनी चाहिए, ये कैंप नहीं है, ये समझ लो कि ये वास्तव में मंदिर ही है हम लोगों के लिए। मैं तो आज से ये मैंने सोच लिया है, मैंने विचार बना लिया है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मेरे लिए तो यही है। मैं तो ये विचार कर लेके जा रहा हूँ यहाँ से कि मैं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा शायद कहीं जाऊँ ना जाऊँ, यहाँ ज़रूर जाऊँगा।